उसकी तैयारी दिव्य और भव्य तरीके से हो। हम लोगों का आकलन है कि अगर अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे तो कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। डबल इंजन सरकार प्रयागराज के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और दीपावली 2024 तक जो भी लक्ष्य तय किए जाएंगे उन्हें पूरा करने का भी आज निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज की बैठक, मैं प्रयागराज के कुंभ की दृष्टि से कहूं तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के दृष्टि से अर्धकुंभ के समय बहुत विकास हुआ है, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि 2019 में जो विकास हुआ वह तो झांकी थी और असली पिक्चर 2025 के कुंभ में दिखाई देगी। चाहे सुरक्षा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे व्यवस्था, चाहे कल्पवासी, चाहे पूज्य संत, चाहे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, सबके लिए बहुत शानदार व्यवस्था की जा रही है। बहुत विस्तृत कार्य योजना जिसका डिटेल बाद में आपको उपलब्ध। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है कि नगर निकाय, जैसे हमारी केंद्र में प्रदेश में सरकार है, वैसे नगर निकायों में भी सरकार बने, इसी को ट्रिपल इंजन कहते हैं। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार जो डबल इंजन से दिखाई दे रही है, ट्रिपल इंजन से और तेजी से दिखाई देगी। इसके लिए भी चर्चा हुई ट्रिपल इंजन की। नहीं, ये तो कुंभ मेले को नए निर्णय क्या हुए इसमें? नहीं, बहुत सारे निर्णय हुए हैं, लेकिन उस निर्णय का मिनट से आपको समय से, मैंने कहा 2019 से 2025 का कुंभ अगर हम तो मानते हैं कि 40 करोड़ हो सकता है, 24 की जगह 48 करोड़ आ जाए, लेकिन सरकार ने हर व्यवस्थाओं को तैयारी करने के लिए आज निर्देश दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बहुत शानदार बैठक हुई है। मैं चूंकि प्रयागवासी हूं, यहां के मेला का हिस्सा बरसों बरस रहा हूं और मैं इस बात को जानता हूं, जितना मेले को लेकर के सरकार हमारी आदरणीय योगी जी की अगुवाई में, आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में देश की सरकार जितना संवेदनशील है, जितना गंभीर है, इतनी गंभीरता से कभी किसी ने मेले के लिए प्रयास नहीं किया। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रहती थी तो मोहम्मद आजम खां को नगर विकास मंत्री बना करके छोड़ दिए थे। 2013 में दुर्घटना हुई थी। हमारा मेला 2019 का हुआ, एक भी किसी खरोच नहीं आई, सबको बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम हुआ।